पहली सुर्खी बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे ने। एनडीए सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने आज शिमला में रोड शो किया। रोड शो के बाद उन्होंने गरीब कल्याण सभा को संबोधित किया और वर्चुअल माध्यम से 16 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकार पर निशाना साधा और उनकी योजनाओं को अटकी लटकी और भटकी बताया। अब सरकार सेवक है, सेवक जनता जनार्दन की सेवक है। अब सरकार जीवन में दखल देने के लिए नहीं बल्कि जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। बीते वर्षों में हम विकास की राजनीति को देश की मुख्य धारा में लाए। विकास की इसी आकांक्षा में लोग स्थिर सरकार चुन रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं। साथियों, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन सिस्टम वही रहता है। हमारी सरकार ने इस सिस्टम को ही गरीबों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाया, उसमें निरंतर सुधार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में अपने इस कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी की। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 2000 रुपए की 3 किश्त में कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। कुछ महीने बाद ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मोदी की इस रैली को चुनाव के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी ये उम्मीद जता रही है कि उसे लगातार दूसरी बार हिमाचल प्रदेश की सत्ता मिलेगी। बता दें कि इसी साल नवंबर महीने में हिमाचल और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे। अगली सुर्खी दिल्ली से। दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है। बीते दिन यानी 30 मई को ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि वे उन 4 कंपनियों को मिले फंड का सोर्स नहीं बता सके थे जिनमें वे शेयर होल्डर थे। ईडी ने अपनी जांच में दावा किया था कि सत्येंद्र जैन ने शैल यानी कि कागजी कंपनियों से 4,81,00,000 रुपए की राशि ली है। ये पैसा हवाला के जरिए कोलकाता स्थित एक कंपनी को कैश ट्रांसफर करने के बदले में प्राप्त हुआ था। ईडी ने कहा था इस पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने या दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में खरीदी गई कृषि भूमि पर लोन चुकाने में इस्तेमाल किया गया था। केंद्र की जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जैन और उनकी पत्नी इस दौरान इन कंपनियों में शेयर होल्डर्स थे। इसे लेकर ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत साल 2017 में केस दर्ज किया था। इस संबंध में जैन और आप का कहना है कि ईडी जिन कंपनियों में भ्रष्टाचार होने का दावा कर रही है उससे उन्होंने 2013 में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद हुई घटनाओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है और ना ही वे इससे जुड़े हैं। इसी साल अप्रैल महीने में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 के तहत जैन और उनके परिजनों से जुड़ी कंपनियों के संबंध में 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की थी। ईडी की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, ये केस नहीं टिकेगा। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। तीसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने एक स्कूल में महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त टीचर पर हमला हुआ उस वक्त वे स्कूल में ही थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। टीचर की पहचान रजनी बाला के रूप में हुई है, वे 10 साल से पढ़ा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर कहा सांबा की रहने वाली टीचर की आतंकी हमले में मौत हो गई। आतंकियों ने उन पर घातक हमला किया था। आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। कुलगाम में टीचर की हत्या पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा
मैं इस कायराना हरकत की निंदा करती हूं। भारत सरकार दावा कर रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं, इसके बावजूद नागरिकों की हत्या हो रही है, जो कि चिंता की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह दुखद है, निहत्ते नागरिकों पर हुए हालिया हमलों में एक और नाम, हालात सामान्य होने तक चैन से नहीं बैठने का दावा, और निंदा व शोक के शब्द खोखले प्रतीत होते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। कश्मीर में आतंकी लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। बीते 12 मई को बडगाम जिले में आतंकवादियों ने राजस्व विभाग के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। पिछले हफ्ते बडगाम के चदूरा इलाके में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने टीवी कलाकार अमरीन भट्ट पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौत हो गई थी। चौथी सुर्खी बनाई जीडीपी ने। वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च में देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी के मोर्चे पर झटका लगा है। चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 4.1% रही, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ 8.7% दर्ज की गई। जीडीपी क्या होती है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब सभी, घरेलू माने घर संबंधी, यहाँ घर का आशय देश है। उत्पाद का मतलब है उत्पादन, प्रोडक्शन। कुल मिलाकर देश में हो रहा हर तरह का उत्पादन। उत्पादन कहाँ होता है, कारखानों में, खेतों में। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया। इस तरह उत्पादन और सेवा क्षेत्र की तरक्की या गिरावट का जो आंकड़ा होता है उसे जीडीपी कहते हैं। पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ बेहतर हुई है, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्रोडक्शन बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक चौथी तिमाही में देश की जीडीपी बढ़कर 40.78 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है, जो कि पिछले साल की चौथी तिमाही में 39.18 लाख करोड़ रुपए थी।